सैंडर्स 1890 में हेनरीविल में पैदा हुए। जब वो 6 साल का था तो उसकी वालिद का इंतकाल हो गया। उसे खाना पकाने और बहन भाइयों की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया। 16 साल की उम्र में उसने रियासत मुत्तहदा की फ़ौज में भर्ती होने के लिए अपने उम्र का झूठ बोला। 1 साल बाद बाइज्जत तौर पर फारिग होने के बाद उसे रेलवे ने एक मजदूर के तौर पर मुलाजमत में रख दिया। तमाम साथी कारकुन के साथ लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब उसने रेलवे में काम किया उसने कानून की तालीम हासिल की, यहाँ तक कि उसने एक और लड़ाई में पढ़कर अपने कानूनी करियर भी बर्बाद कर दिया। सैंडर्स को मजबूर किया गया कि वो अपनी माँ के साथ वापस चले जाएं और लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाली नौकरी हासिल करें। और अंदाज़ा करो कि क्या उसे नाइंसाफ़ी पर नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन यह आदमी हिम्मत नहीं हारेगा। 1920 में उसने फेरी बोट कंपनी की बुनियाद रखी। बाद में उसने अपने फेरी बोट के कारोबार में सिर्फ एक लैम्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने की कोशिश की ताकि ये मालूम किया जा सके कि एक और कंपनी ने पहले ही उसके लैम्प का एक बेहतर वर्जन फरोख कर दिया है। ये 40 साल की उम्र तक नहीं हुई थी कि उसने एक सर्विस स्टेशन में चिकन डिशेस बेचना शुरू कर दी। जब उसने अपने खाने की तस्वीर शुरू की तो उसके मदम बाकी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला जानलेवा हो गया। 4 साल बाद उसने एक मोटल ख़रीदा जो उसके रेस्टोरेंट के साथ जलकर खाकसर हो गया। फिर भी इस पुरअज़म आदमी ने एक नया मोटल दोबारा बनाया और यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में उसे बंद करने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद उसने अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज करने की कोशिश की। इसकी तरकीब को 1009 बार मुस्तरद किया गया। उसने पहले कोई ऐसे कबूल करे। सैंडर की खुफिया तरकीब को कैंटी फ्राइड चिकन के नाम से तैयार किया गया और ये तेज़ी से हिट हो गया। तहम तेज़ी से बढ़ता हुआ रेस्टोरेंट इस वक्त ख़राब हो गया। जब करीब ही एक इंटरसेट खुला तो सैंडर्स ने इसे बेच दिया और KFC फ्रेंचाइज को फैलाने और पूरे मुल्क में KFC कारकुनों की खिदमत हासिल करने अपने ख्वाब को पूरा किया। बरसों की नाकामी बदकिस्मती के बाद सैंडर्स ने आखिरकार उसे बड़ा मारा। KFC ने बैन अवी सतह पर तोसी की और उसने कंपनी को $2 मिलियन में फ़रोग किया। आज भी सैंडर्स KFC की ब्रांडेड में मरकजी हैसियत रखते हैं और उसका चेहरा अब भी उनके लोगों में नज़र आता है। उसका बकरा सफ़ेद सूट और वेस्टर्न स्टैंडर्ड टाई पूरी दुनिया में मज़ेदार कंट्री फ्राइड चिकन की अलामत है। 90 बरस की उम्र में सैंडर्स को नमूनिया से इंतकाल हो गया। उस वक्त 48 ममालिक में KFC के लगभग 6,000 मकामात थे। 2013 तक 118 ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक KFC 1,800 मकामात पर हैं। अगर आप मुस्तरद होने से मगलूब हैं या नागामी सोसला शिकन है तो कर्नल हॉर्डन स्टैंड्स की कहानी याद रखें। मुतादिद मुलाजमतों से बरतरफ किया, अपने कानूनी करियर को बर्बाद कर दिया। अजीम अफसरदगी, आतिश ददगी और दूसरी जंग अजीम की वजह से वो वापस आ गया। फिर भी उसे दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में अपनी एक जगह बनाई। सैंडर्स किसी भी चीज़ या किसी को इसे शिकस्त देने नहीं देंगे। हम सबको कर्नल सैंडर्स से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।